सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में साइकिल चलाकर 2024 का एजेंडा सेट किया है। अब प्रदेश कार्यकारिणी के नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास कर भाजपा सरकार को घेरा जाएगा। सपा अपने नेताओं को भाजपा की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रही है। सपा के राज्य कार्यकारिणी से पहले सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश भावी प्रधानमंत्री के होर्डिंग लग गए हैं। इनमें त्योहारों की शुभकामनाओं के साथ सियासी संदेश देने की कोशिश हो रही है। बता दें कि अखिलेश एक तरफ साइकिल यात्रा करके जातीय जनगणना कराए जाने की मांग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीडीए को मजबूत करने के लिए गांव-गांव जा रही हैं। इसी संदर्भ में राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक बुधवार को शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव पार्टी के पदाधिकारी और पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों को 2024 के चुनाव को लेकर चल रही तैयारी और बीजेपी को घेरने को लेकर गुरु मंत्र देंगे। बता दें कि संगठन ऐलान के बाद यह पहली बैठक होगी। अखिलेश नव गठित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जातीय जनगणना और पीडीए रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें 300 से ज्यादा पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। चुनाव में पार्टी को किन मुद्दों पर फोकस करना है, इसे भी अखिलेश अपने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बताएंगे। सपा जातीय जनगणना व पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। इसे किस तरह जनता के बीच ले जाना है, इस पर भी चर्चा होगी।